वार्ड परिषद के लिए जब आपको दिखा जा रहा है कि संपूर्ण तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है, क्या काम कीजिएगा जीतने के बाद? बस वही विकास करेंगे सर। विकास में क्या कीजिएगा? ऐसे रोड बनाएंगे, जल नल योजना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना होगा। आपके वहाँ जमीन की क्या समस्या है? अभी तो बहुत जर्जर स्थिति है, जहाँ तहाँ पानी जो है बह रहा है, नाला मतलब रोड पर भी पानी जमा है, लेकिन ये सब काम हमारे जीतने के बाद नहीं होगा। ये हम जनता से वो विश्वास दिलाते हैं कि ये सारा काम पर, एक छोटा छोटा भी काम पर हमारा ध्यान रहेगा और हम गांव के साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे। पहले तो फिर रोड, नाला और प्रधानमंत्री आवास योजना। कितने नंबर वार्ड से हैं? 13 नंबर वार्ड से हैं हम सर। क्या नाम है आपका? 13 नंबर वार्ड से हमारे मित्र ओम प्रकाश पासवान जो है चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और जीतने के बाद मैं अपनी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं भी एक जनता हूं और मेरे 13 नंबर की जितनी जनता है सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितनी भी जो भी हमारे विकास का काम होगा वो हम लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से करने का प्रयास करेंगे और हर व्यक्ति को खुश रखने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति को जो है, जो इंसानियत होता है, इंसानियत के नाते हम लोग हमेशा एक दूसरे से तालमेल बिठा के चलेंगे। हर समाज, हर वार्ड के सभी सदस्यों को लेके चलेंगे और ये हमारे जो 13 नंबर से जो प्रत्याशी भरे हैं, इनके सामने जितने भी विरोधी हैं वो खास करके हवा हवाई है। और रही सवाल ओम पासवान की, ओम पासवान भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बाकी सभी कैंडिडेट्स जो है, किसी का नॉमिनेशन हुआ इससे कुछ दिन, लेकिन मात्र उसकी भीड़ 10 से 20 की जनसंख्या थी, लेकिन हमारे इस ओम पासवान का जो नॉमिनेशन हुआ आज के डेट में, आज इनमें कम से कम 300 से भव्य जो है हमारी जनता, वो वोटर है, वो हम भाड़े पे नहीं लाए, वो मेरा सब वोटर है और वोटर सारा लोग जो है इनको दिल से प्यार कर रहा और दिल से इनको चुनाव जिताने जा रहा है और भारी बहुमत से इस बार ओम पासवान जीतने जा रहा है। धन्यवाद।